Hi friends, welcome back and we are going to discuss today HP GK lecture 5. तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर सीरीज में ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग HAS के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 हिमाचल की ज्योग्राफी से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में आज का जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस ग्लेशियर्स इन द हिमाचल प्रदेश। तो ग्लेशियर्स जो है, क्या ग्लेशियर है? बॉडी ऑफ आइस, लार्ज मास ऑफ आइस, एंड लोकल लैंग्वेज में हम ग्लेशियर को शिगरी कहते हैं। हिमाचल की लैंग्वेज में हिमाचल प्रदेश हैज अबाउट 2554 ग्लेशियर्स एंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 4160 स्क्वायर किलोमीटर। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइक दे आर द सोर्सेज ऑफ वेरियस रिवर्स लाइक ब्यास, सतलुज, रवि एंड चेनाब, and they are located on high altitudes exceeding 4000 meter above mean sea level in Pir Panchal, Great Himalayan, Dholadhar and Jaskar ranges. So main glaciers hume yahan pe milenge, and majority of glaciers jo Himachal mein milenge, they are small in size. Next is, अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो हमें बेसिकली हिमाचल के चार डिस्ट्रिक्ट्स में ग्लेशियर्स मिलेंगे, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा एंड शिमला। लाहौल स्पीति में देखें फेमस ग्लेशियर बड़ा शिगरी, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, छोटा शिगरी, गफांग, द लेडी ऑफ किलोंग, मुकिला, सोनापानी, पिराड, म्यार, चंद्रा, भागा, कुल्टी, तारागिरी, गंगसांग, गोरा, समुद्रा टापू, ये सारे लाहौल स्पीति के फेमस ग्लेशियर्स हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सारामगा, दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर, ब्यासकुंड, दीपिका। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, भदल ग्लेशियर, शिमला, चंद्रनाहन ग्लेशियर्स। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी वैली या कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज बड़ा शिगरी ग्लेशियर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बड़ा बड़ा मतलब बिग, शिगरी मतलब ग्लेशियर, सो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश एंड इट इज लोकेटेड इन चंद्रा वैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश और लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, एंड सोर्स ऑफ चेनाब रिवर, चंद्रा, क्योंकि चेनाब के दो हेड स्ट्रीम है, चंद्रा एंड भागा। तो चंद्रताल जो है चंद्रा वैली में, वहां पे सोर्स है ये बड़ा शिगरी का। नेक्स्ट लेक चंद्रताल जो है हमें यहां पे मिलेगी, एंड बड़ा शिगरी ग्लेशियर विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल, इन हिमालयस, सॉरी हिमाचल का तो बड़ा ग्लेशियर है बट हिमालयस में ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आफ्टर गंगोत्री। द ग्लेशियर वॉज फर्स्ट सर्वेड इन 1906 बाई एच वॉकर एंड ई एच पास्कोए ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो किसने इसको ऑब्जर्व करा था, आप थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट इज दिस इज द इमेज ऑफ लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बड़ा शिगरी। नेक्स्ट ग्लेशियर लेडी किलोंग, अगेन कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। It can be seen from Keelong and is very popular among the visitors. And इसकी जो appearance है वो particular appearance है। In the middle there is dark bare patch which resemble the shape of a woman with load on her back named Lady of Keelong. और Lady of Keelong इसे किसने कहा था? Lady Elishing Day. She was a British woman. उन्होंने इसको Lady of Keelong कहा था। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह का है, ये कुछ लेडी अपीयरेंस विद बैग, सो दैट्स व्हाई लेडी ऑफ किलोंग। छोटा शिगरी ग्लेशियर, छोटा शिगरी ग्लेशियर इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द मेन रिज ऑफ द पीर पंजाल रेंज एंड इनर हिमालय ईस्ट ऑफ रोहतांग पास। एंड सिंस 2002 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली इज मॉनिटरिंग दिस ग्लेशियर for various hydrological aspects on annual basis. Next is Lahaul Spiti district ke glacier, Sonapani glacier, desiccated glacier lake and the old terminal moraines aapko yahan pe milenge, they are visible from Rohtang pass. Pirad glacier, it is small one and easily accessible being within 1 km of Putruni. There is well marked ice cave and the glacier stream runs between two large lateral moraines.
नेक्स्ट इज मियार ग्लेशियर, ये भी काफी बड़ा ग्लेशियर है, मियार वैली। इट बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ पंजाब हिमालय एंड अगेन इट इज पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति लाहौल रेंज, लोकेटेड बिटवीन पीर पंजाल एंड जस्कर रेंज। द वैली इज नियरली 75 किलोमीटर लॉन्ग, मियार ग्लेशियर की जो मियार वैली है, एंड इट स्ट्रेच बिटवीन उदयपुर एंड कंगला पास। कंगला पास एट द हेड ऑफ मियार वैली इज वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। सो कंगला पास याद रखिए लाहौल स्पीति। नेक्स्ट अदर ग्लेशियर्स इन लाहौल स्पीति, समुद्र टापू ग्लेशियर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन चंद्रा बेसिन एंड डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। मुकिला ग्लेशियर, मुकिला ग्लेशियर भागा वैली में है। गंगसांग ग्लेशियर, गंगस्टांग ग्लेशियर जो है इट इज सिचुएटेड एट द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ लाहौल रीजन एंड स्ट्रीमिंग इन टू शाशा नाला विच ज्वाइंस चंद्रभागा रिवर। तो ये शाशा नाला में ड्रेन कर रहा है जो कि अल्टीमेटली चंद्रभागा रिवर में ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स इन शिमला, चंद्र नाहन ग्लेशियर, लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट स्लोप्स ऑफ मेन हिमालयन रेंज इन द एरिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ रोडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड पब्बर रिवर। पब्बर रिवर विच इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इज फेड बाई दिस ग्लेशियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्र नाहन ग्लेशियर पब्बर रिवर का सोर्स है जो कि आगे यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंद्र नाहन लेक लाइज इन द डिप्रेशन कार्व्ड बाय दिस ग्लेशियर। तो चंद्र नाहन रिवर जो है इसके डिप्रेशन में लाई कर रही है। नेक्स्ट इज भद्दल, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज इन द बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज सोर्स ऑफ भद्दल रिवर विच इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। सो भद्दल ग्लेशियर वी कैन से इट इज सोर्स ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट ब्यास कुंड ग्लेशियर, लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द साउथ फेसिंग स्लोप्स ऑफ टावरिंग पीर पंजाल रेंज नियर द कॉन्सिक्वस रोहतांग पास। सो रोहतांग पास के पास लोकेटेड है इन मनाली रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट इज द सोर्स ऑफ ब्यास रिवर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट ग्लेशियर्स इन एचपी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम देखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि किस रिवर बेसिन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, तो सतलुज बेसिन 945, देन चेनाब बेसिन, देन ब्यास, देन लीस्ट रावी। एंड एरिया स्क्वायर किलोमीटर में देखें कौन सी रिवर के बेसिन का ग्लेशियर्स के लिए है, तो इसका आंसर आएगा चेनाब बेसिन 1704। सो फ्रेंड्स इतना आप याद रखिए ग्लेशियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कोई भी क्वेश्चन ग्लेशियर से हुआ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे माइनर ग्लेशियर्स हैं बट हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इतने मेजर ग्लेशियर याद रख लेंगे हमारा एग्जाम में आंसर जो है, हम क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब ग्लेशियर पार्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।